इंडियन पॉलिटी। अभी ना दुर्गा पूजा के बाद इंडियन पॉलिटी, इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय राज व्यवस्था। आप गौर से सुनिएगा, जो इंडियन पॉलिटी है जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था, या जो आपका इंडियन पॉलिटी है इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। भारत के ऊपर राज करने का जो व्यवस्था होता है उसी को भारतीय राज व्यवस्था कहा जाता है। भारत के ऊपर राज करने का जो व्यवस्था होता है उसी को भारतीय राज व्यवस्था कहा जाता है। अब यह जो इंडियन पॉलिटी है, इस इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जो सबसे पहल का लेसन है, इंडियन पॉलिटी का सबसे पहल का लेसन है, इसका नाम है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है यह आपका इंडियन पॉलिटी का पहल का लेसन है। सबसे पहला बात यह समझना पड़ता है कि यह जो इंडियन पॉलिटी का पहल का लेसन संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसमें हम आपको इतिहास में भी इसका कुछ टर्म बता चुके हैं कि संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जब पढ़ते हैं तो कहानी स्टार्ट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और आपको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहानी सुना चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ टेलर पर्थम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, और इस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। एकाधिकार का मतलब होता है और कोई कंपनी भारत के ऊपर व्यापार करने नहीं आएगा, केवल और केवल जो कंपनी भारत में व्यापार करने आएगा वह कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए थे, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए थे, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए थे, और उसी में एक कंपनी आया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो कंपनी आया था उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी, और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। उसके बाद आपको इस बात का पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन,
द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इसका शुरुआती नाम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में साझेदार वही व्यक्ति बनते थे जो कम से कम 500 पौंड रुपया लगाता था और एक पौंड में 97 रुपया होता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदार वही बनता था जो कम से कम 500 पौंड रुपया लगाता था, वही व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साझेदार बनता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साझेदार बनने के लिए कम से कम 500 पौंड रुपया लगाना पड़ता था। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से जो हुआ था, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था 1608 ईस्वी में, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था उस समय भारत के मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस समय भारत में जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, भारत के मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे, अकबर हुआ करते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में 1608 ईस्वी में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन भारत में 1608 ईस्वी में हुआ। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया तो व्यापार करने के उद्देश्य से तो यह मात्र और मात्र 30,133 पौंड रुपया लेके आया था। जब यह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था तो 30,133 पौंड रुपया लेके आया था। और इसके साथ साथ 217 आदमी का एक ग्रुप आया था, और जो 217 आदमी का ग्रुप आया था, इस 217 आदमी के ग्रुप को मर्चेंट एडवेंचर्स कहा गया था, मर्चेंट एडवेंचर्स कहा गया था। या जो 217 आदमी का एक ग्रुप आया था, 217 आदमी के ग्रुप का नाम मर्चेंट एडवेंचर्स रखा गया था। और यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 आदमी 1608 ईस्वी में भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जब यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी काम हुआ था यह सबके सब काम 1600 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। यह जितना भी कार्य हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह सबके सब कार्य 1600 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया, 1608 ईस्वी में आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया था 1600 ईस्वी में और यह भारत आए थे 1608 ईस्वी में। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 100 वर्ष के अंदर अपना 3 मुख्यालय नगर बना लिए थे, अपना प्रेसिडेंसी नगर बना लिए थे, अपना मुख्यालय नगर बना लिए थे 3 मुख्यालय नगर, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 3 को मुख्यालय नगर बना लिया था, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तो 100 वर्ष के अंदर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 मुख्यालय नगर बना लिया, मद्रास को बनाया, बम्बई को बनाया और कलकत्ता को बनाया। जब ये सब के सब काम किस एक्ट के तहत हो रहा है, 1600 के चार्टर एक्ट के तहत, 1600 के चार्टर एक्ट के तहत हो रहा। यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 100 वर्ष के अंदर अपना 3 नगर के ऊपर मुख्यालय नगर बना लिया था, प्रेसिडेंसी नगर बना लिया था, जिसमें पहला का नाम था मद्रास, दूसरा का नाम था बम्बई और तीसरा का नाम था कलकत्ता।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे, तो मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। मद्रास की स्थापना किसने किया था, तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। मद्रास की स्थापना किसने किया था, तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। कलकत्ता की स्थापना बम्बई की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। बम्बई की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था और कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। इस कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, तो इस कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। उसके बाद यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 100 वर्ष के अंदर 1608 ईस्वी में आया, अब मात्र 100 वर्ष भारत में रहा। अब कैसे रहा, तो आधुनिक भारत के इतिहास से स्टार्ट किए हैं तो उसमें बताए थे पहले पुर्तगाली के बारे में, उसके बाद उसे पढ़ाएंगे डच, फिर ब्रिटिश, फिर ऐसे पढ़ाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास जो स्टार्ट किए थे उसमें। तो बम्बई की स्थापना गेराल्ड अंगियार, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक और मद्रास के संस्थापक है फ्रांसिस डे। यह जो कलकत्ता था, कलकत्ता तीन गो नगर यानी तीन गो शहर के मिला के बनाया गया है, सुतीनता, कालीकटा और गोविंदपुर। यह जो तीन गो शहर है सुतीनता, कालीकटा और गोविंदपुर, सुतीनता, कालीकटा और यह जो गोविंदपुर है, यह तीन गो जो शहर है इसी तीन गो नगर को मिलाकर एक कलकत्ता नामक शहर की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। और यह जब तीनों नगर की स्थापना हो गया था तो इस पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाने का काम किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, तो ब्रिटेन की एक कंपनी है। यह भारत में क्या करने आया है, तो व्यापार करने के लिए आया था। और यह तीनों जो मुख्यालय नगर था मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, इसका कानून पहले एक ही आदमी बनाता था। अब 100 वर्ष के अंदर जब ये तीनों के तीनों मुख्यालय नगर हो गया और इसका कानून एक ही आदमी बनाता था, तो एक एक्ट पेश किया गया और वह एक्ट था 1726 का चार्टर एक्ट। और 1726 का जो चार्टर एक्ट आया था, इस 1726 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया, जो 1726 का चार्टर एक्ट आया था, इस 1726 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो तीन गो प्रेसिडेंसी नगर है, तीन गो मुख्यालय नगर है, इस मुख्यालय नगर का कानून अब एक आदमी नहीं अलग अलग आदमी बनाएगा। मतलब साफ साफ यह कहा कि कलकत्ता का, मद्रास का और मुंबई का, कलकत्ता का, मद्रास का और बम्बई का, बम्बई का कानून अब अलग अलग बनाया जाएगा, कानून अब अलग अलग बनाया जाएगा, अलग अलग बनाया जाएगा। इसका मतलब यह समझ में आ गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो तीन गो मुख्यालय नगर हुआ करता था, यह तीनों के तीनों मुख्यालय नगर का कानून एक ही आदमी बनाता था। 1726 के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि इस मुख्यालय नगर का, इस प्रेसिडेंसी नगर का कानून अब एक आदमी नहीं, अब अलग अलग आदमी बनाएगा। मतलब तीन गो मुख्यालय नगर है तो कानून अब तीन गो आदमी बनाएगा, तीन गो अलग अलग इसका देखनहार होगा। इसके बाद हमारे देश में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी को हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इस प्लासी के युद्ध के बारे में हम आपको इतिहास में शायद समझाए क्या, यह प्लासी का जो युद्ध हुआ था, यह प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्वी को हुआ। जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, यह जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यह प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश अधिकारी या पदाधिकारी रॉबर्ट क्लाइव, 23 जून 1757 को जो बंगाल का युद्ध हुआ था, बंगाल में प्लासी नामक जगह पड़ता है, प्लासी कहाँ है तो बंगाल में है,
तो 23 जून 1757 ईस्वी को जो पलासी का युद्ध हुआ था, इस पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला को मारा गया था, और मारने वाला व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बेग। मीर जाफर के बेटा मीरन के इशारे पर ही मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने हत्या किया था। इसके बाद जो बंगाल के नवाब के पद था, बंगाल उस समय 1718वीं सदी में बंगाल काफ़ी ज़्यादा धनी मनी हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा खजाना से परिपूर्ण था। उसको ना गिराइए। काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण हुआ करता था। तो बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई, रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के अगला नवाब मीर जाफर बना था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना, फिर मीर जाफर बना, और मीर जाफर को अंततः हटाकर नवाब के पद को समाप्त कर दिया और बंगाल में लाया गवर्नर का पद, और पहला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव हुआ जिन्होंने बंगाल के गवर्नर के पद पे बैठा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बना? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था, या बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक, कहिए ना। तो बंगाल के गवर्नर के पद पे ये 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक बैठे थे रॉबर्ट क्लाइव। और जो रॉबर्ट क्लाइव है, यह बंगाल में द्वैत शासन लगा दिए। द्वैत शासन का मतलब होता है शासन प्रशासन कोई और करेगा, टैक्स की वसूली कोई और करेगा। मतलब बंगाल में दो दो आदमी का शासन लगा दिए थे, और बंगाल में दो दो आदमी का शासन लगाने का काम यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जिसे कहा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया? तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। इस बात को पता चला ब्रिटेन में बैठे महारानी को कि यह जो अंग्रेज की तरफ से कंपनी गया है भारत में व्यापार करने, यह कंपनी भारत में व्यापार नहीं शासन प्रशासन कर रहा है। भलतुन दे 5700 का युद्ध लड़ा था, 23 जून 1757 के पलासी का युद्ध लड़ा, और पलासी के युद्ध के बाद यह बंगाल में द्वैत शासन लगा रहा, जबकि कंपनी तो गया था व्यापार करने। यदि कंपनी व्यापार करने गया तो व्यापार करेगा, लेकिन यह कंपनी व्यापार न करके यह कंपनी तो वहां पर द्वैत शासन लगा रहा है, शासन प्रशासन कर रहा है। हाँ, तो इतिहास में पढ़ाएंगे, पलासी का युद्ध भी इतिहास से पढ़ाएंगे, बक्सर का युद्ध भी इतिहास में पढ़ाएंगे। 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को, वह इतिहास के टर्म है ना, इतिहास से पढ़ाएंगे, वरना यहाँ भी पढ़ाना पड़ता है फिर वहाँ भी पढ़ाना पड़ता है। तो जब 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लगा दिया बंगाल के क्षेत्र में, तो यह महारानी को जब पता चला तो महारानी ने अपने यहाँ से एक व्यक्ति को भेजे, और उस व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत में आए तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर के पद से 1772 में हटा दिया और उसके जगह पर वारेन हेस्टिंग्स को बैठाया। तो बंगाल में गवर्नर के पद पे अब कौन आ गया? वारेन हेस्टिंग्स आ गया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पे कब आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पे 1772 ईस्वी में आया, और यह 1785 ईस्वी में वापस जाता है।
बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव बन गया। रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल के गवर्नर के पद पे था तो बंगाल में क्या लगा दिया था, द्वैध शासन लगा दिया था। उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो यह वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया, सॉरी बंगाल में तो जो द्वैध शासन लगा था, सॉरी मेरे भाई बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था इस द्वैध शासन को बंगाल से समाप्त कर दिया। मतलब बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने, रॉबर्ट क्लाइव, और हटाया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स। जिस प्रकार से फ्रांसिस्को डी अल्मोरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था, और ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने हटाया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हटाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी नीला जल नीति को लगाने का काम किसने किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोरा ने किया था, और ब्लू वाटर पॉलिसी को हटाने का काम किसने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। जब यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखने के लिए 24 गो सदस्य का गठन किया गया था कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखेगा, और उसका नाम रखा गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और हिंदी में कहते हैं निर्देशक मंडल, और उसमें 24 गो सदस्य था। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्देशक मंडल क्या करता, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखता। इसमें सदस्य कितना था, सदस्य 24 गो था। प्रत्येक का कार्यकाल कितने का था, प्रत्येक का कार्यकाल 1 वर्ष का हुआ करता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन 1600 ईस्वी में ही कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निर्देशक मंडल कहते हैं, निर्देशक मंडल की स्थापना 1600 ईस्वी में ही कर दिया गया था। निर्देशक मंडल की स्थापना 1600 ईस्वी में ही कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में निर्देशक मंडल कहते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का रखा गया। प्रत्येक एक एक वर्ष पर वह समाप्त हो जाता था, खत्म हो जाता था, फिर नया सदस्य आता था, फिर 1 वर्ष के बाद फिर समाप्त होता, फिर नया सदस्य का रखा होता था। तो इतना बात समझ में आया, कोई तकलीफ? बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में गवर्नर का पद किसने लाया, रॉबर्ट क्लाइव। खुद गवर्नर के पद पे कौन बैठा, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो सबसे पहला काम क्या किया कि बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था, बंगाल के इस द्वैध शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव जो लगाया था बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब दो आदमी का शासन, ये द्वैध शासन को समाप्त बंगाल के क्षेत्र से किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। कब किया, 1772 ईस्वी में किया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आया कब था, 1772 ईस्वी को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जिसको हिंदी में निर्देशक मंडल कहते हैं। इसमें सदस्य क्या था, 24 गो। यह क्या करता, तो व्यापारिक मामला को देखरेख करता, व्यापारिक मामला को देखरेख करता। इसका पूरा नाम क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम था। कोई तकलीफ? नहीं हुआ था, रेगुलेटिंग 1773 ईस्वी में आता है। एक बार इसको रिवीजन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले का लेसन के नाम क्या है, संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, भारतीय का मतलब हम लोग भारतवासी हैं, राज का मतलब होता है शासन प्रशासन, व्यवस्था का मतलब उस पर कैसे किया जाता है, तो शासन प्रशासन या राज करने की व्यवस्था ही राज व्यवस्था कहलाता है। तो भारत के ऊपर जो राज करने की व्यवस्था है उसे भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। इसलिए बताते क्योंकि आप लोग टीचर बनिएगा तो हो सके कोई मीडिया वाला पूछ ले कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे भारत के ऊपर राज करने की जो व्यवस्था होता है उसी को भारतीय राज व्यवस्था कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने किया था, 15 वर्षों का एक अधिकार दिया था।
उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देखने के लिए 24 सदस्य एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, जिसको निर्देशक मंडल कहते हैं। प्रत्येक का कार्यकाल एक वर्ष का होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था तो वह दिन था 1608 ईस्वी का, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ स्थापना हुआ था। कहाँ? ब्रिटेन में स्थापना हुआ था। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे, जब भारत में आए तो जहांगीर हुआ करते थे, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया तो इसको व्यापारिक मामला को देख रेख करने के लिए 1600 ईस्वी में 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। इसका शुरुआती पूंजी 30,133 पाउंड हुआ करता था। 217 आदमी का एक ग्रुप बना के भेजा था, जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स कहा गया था। और 23 जून 1757 को जब पलासी का युद्ध हुआ तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। इसके पीछे कारण यह था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो मुख्य सेनापति हुआ करते थे मिर्जाफर के धोखाधड़ी के कारण ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। और उसके सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मिर्जाफर के बेटा मीरन के कहने पर ही मुहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया था। उसके बाद बंगाल में नायका नवाब के रूप में मिर्जाफर आया था। मिर्जाफर के बाद उसका दामाद मिरकासिम आया था। मिरकासिम के बाद फिर उसका ससुर मिर्जाफर आया। और अंततः 1765 ईस्वी में बंगाल के नवाब के पद को समाप्त कर दिया गया और बंगाल में लाया गया गवर्नर का पद। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनाने और जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर बना तो उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। और द्वैध शासन को हटाने का काम 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त कर दिया। इतना बात बताएं, हमने शॉर्टकट स्पीड में बोलकर रिवीजन करा दिया। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इसका फोटो खींचना है तो खींच लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। क्या समाप्त कर दिया था? द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव। हटाया किसने था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस पद पर आया था? गवर्नर के पद पर, गवर्नर के पद पर। उसके बाद 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। हाँ, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर के पद पे आया, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और अब इसके बाद गवर्नर के पद पे ही कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब यह जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। मतलब कि यह एक प्रकार के समझिए कि बजट है। हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। तो समझिए कि यह एक प्रकार से इंग्लैंड के संसद से एक प्रकार के बजट भेजा जा रहा है भारत में। इसलिए भेजा जा रहा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बजट दिया जा रहा है, इसको कहिए कि संकुचित करने का काम कर रहा है। इसका जो दायरा बढ़ गया है बिना मतलब का, क्योंकि आया तो था व्यापार करने के उद्देश्य से, अब फिर भी जो इसका दायरा बढ़ चुका है उसको संकुचित करने का काम किया जा रहा है। तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1773 ईस्वी में कौन हुआ करते थे? लॉर्ड नॉर्थ। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कहा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दीजिए। मतलब कि जो घरे का मुखिया है ना ओकरा विधायक बना दीजिए। मतलब कार्य शक्ति में इजाफा किया गया, बंगाल के जो गवर्नर के पद पे बैठा है उसको गवर्नर जनरल बना दीजिए।
मतलब मुखिया को यदि आप विधायक बना देते, इसका मतलब क्या, उसके कार्य अधिकार शक्ति में क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं आप, उसके कार्य अधिकार शक्ति में आप क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। तो बंगाल के गवर्नर के पद पे कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो गवर्नर जनरल के पद पर भी कौन बैठेगा, वारेन हेस्टिंग्स बैठेगा। तो शुरू में बंगाल के गवर्नर के पद पे कौन बैठा था, रॉबर्ट क्लाइव, और उसके बाद कौन बैठा, वारेन हेस्टिंग्स। क्या वारेन हेस्टिंग्स के बाद और कोई गवर्नर के पद पे बैठा, नहीं बैठा। आया ही था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो क्या बंगाल के गवर्नर के पद पे वारेन हेस्टिंग्स के बाद कोई बैठा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ, लेकिन बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के बाद कोई बंगाल के गवर्नर के पद पर, क्योंकि उसके बाद बंगाल के गवर्नर के पद समाप्त हो गया। जब बंगाल के गवर्नर के पद समाप्त हो गया तो आया गवर्नर जनरल का पद, आया गवर्नर जनरल का पद। आज जब बंगाल में गवर्नर जनरल का पद आया तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल दोनों के दोनों वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आया, चलिए। तो इसके तहत कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है, इसे क्या बना दिया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर है, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और इस दोनों पद पे बैठने का काम किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स। मतलब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देना था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ। गवर्नर से गवर्नर जनरल का मतलब कार्य अधिकार शक्ति में क्या किया, इजाफा कर दिया, क्या वृद्धि कर दिया, वृद्धि कर दिया, इंक्रीज, इंग्लिश में इंक्रीज, इंक्रीज कर दिया। अब गौर से सुनिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। मतलब यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, बजट है, यह बजट है। क्या 2020 में जो बजट आएगा उसमें कह दिया जाएगा कि 2022 ईस्वी तक बिहार के कोना कोना में रोड बना दिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार के कोना कोना में रोड बना, कहेगा 2022 में, कह किस बजट के द्वारा, 2020 के बजट के द्वारा। क्या, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन जाएगा, और कहा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, ये गठन की बात किया 1773 में, और गठन हुआ 1774 में। तो बंगाल में, सॉरी कलकत्ता में, कहे कलकत्ता में काहे गठन हुआ, तो आपको याद है कि अंग्रेज 100 वर्ष के अंदर अपना 3 मुख्यालय नगर बना लिया था, एगो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डी, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक, बम्बई की स्थापना गेराल्ड अंगियार। क्या, तो कलकत्ता में तो इसका अधिकार हो गया था, और जब कलकत्ता में इसका अधिकार हो गया था तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किया, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया। लेकिन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 ईस्वी में हुआ, इसमें 4 सदस्य। जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया तो सदस्य कै गो था, 4 सदस्य थे। एगो था मुख्य सदस्य और 3 था अन्य सदस्य।
जो मुख्य सदस्य था सर एलिजा एम्पी, जो मुख्य सदस्य हुआ करते थे, इस मुख्य सदस्य का नाम क्या था? सर एलिजा एम्पी। जो तीन अन्य सदस्य था इसका नाम था लॉर्ड हाइड, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर, लॉर्ड चेमेस्टर, लॉर्ड हाइड नहीं, लॉर्ड चेमेस्टर नहीं, लॉर्ड लिमेस्टर, चेमेस्टर कर सर एलिजा एम्पी, हमरा ऊ वाला याद आ रहा, मानसन बर्बल क्लेवलिन फिलिप फ्रांसिस, हमरा ऊ वाला दिमाग में आ गया था, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर और एक और लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड चेम्बर्स, तो लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड और लॉर्ड लिमेस्टर, हमारा दिमाग में खटखट बज रहा था मानसन बर्बल क्लेवलिन फिलिप फ्रांसिस, लॉर्ड चेम्बर्स। लॉर्ड चेम्बर्स तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया उसमें चार गो सदस्य था, मानसन सॉरी मुख्य सदस्य के पद पर सर एलिजा एम्पी, सर एलिजा एम्पी, और तीन गो अन्य सदस्य था लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर, लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर। अब याद करो भैया पढ़ाए थे जहिया, कहिया पढ़ाए थे, तना देर पहले पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामला को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या कै गो? 24 गो। फल्लामा सर जी कह रहे चार गो था क्या? 24 गो कहे? अच्छा इन्हें हाथ जाए कहे, हमको लगा हाउ डू यू डू आ केने बारू तू क्या? तो 24 गो सदस्य था, 24 गो सदस्य का प्रत्येक कार्यकाल कितने वर्ष का? एक वर्ष का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य था, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मामला को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ था, यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 गो था, प्रत्येक के कार्यकाल एक वर्ष का हुआ करता था, उसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया, एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया। अच्छा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे कौन बैठा? वारेन हेस्टिंग्स बैठा, वारेन हेस्टिंग्स बैठा, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे था कि ना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए कुछ सदस्य दिया जाए, बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए कुछ सदस्य दिया जाए, और बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए चार सदस्य दिया गया, मानसन बर्बल क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए चार सदस्य दिया गया, मानसन था, बर्बल था, क्लेवरिंग था, मानसन बर्बल क्लेवरिंग था, और एक का नाम था फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। यही चार गो जो सदस्य था
या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले गवर्नर जनरल के व्यापारिक मामला को देखता गवर्नर जनरल को सहायता करता था। मतलब गवर्नर जनरल के काउंसिल में, गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्यों को शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल के परिषद में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए उसके काउंसिल में, उसके परिषद में, उसके काउंसिल और हिंदी में परिषद कहते हैं, उसके परिषद में 4 गो सदस्य को शामिल किया गया, जिसमें पहला का नाम था मानसन, दूसरा का नाम था बर्बेल, तीसरा के नाम था क्लेवरिंग और चौथा के नाम था फिलिप फ्रांसिस। मानसन, बर्बेल, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह बात नहीं कर पाया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसका काम क्या क्या है, इसके कार्य का निर्धारित नहीं किया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हुआ करते थे, इसके भी कार्य को निर्धारित नहीं किया गया। एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्य निर्धारित हो, या निर्दोष को फांसी पर, फांसी वाला को निर्दोष साबित कर देता था। इसी को लेकर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ का कहना हुआ कि देखिए, हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे यहाँ से वो कंपनी गया है व्यापार करने के लिए, इस कंपनी को हमने रोकने का कोशिश किया है, इस कंपनी को हमने सीमित करने का कोशिश किया है, लेकिन हमसे थोड़ा सा भूल हो गया है। हमने प्रयास जरूर किया है, लेकिन हमसे भूल यह हो गया है कि हमने गवर्नर जनरल के कार्य को निर्धारित नहीं कर पाया कि तुम्हारा काम कहां तक ले है, और न ही हम मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले सर एलिजा इम्पे के कार्य को निर्धारित कर पाए। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आया था, उसमें ब्रिटेन के गवर्नर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना था कि ना तो हम गवर्नर जनरल के कार्य को सीमित कर पाए और न ही हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्य को सीमित कर पाए, लेकिन हमने यह प्रयास किया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में गया है व्यापार करने, या अपनी औकात में रहे, क्योंकि यह इंग्लैंड से कंपनी आया है, इसको शासन प्रशासन नहीं करने आया है, या यहाँ से सामान खरीद कर ले जाएगा और सामान बेचेगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी, उन्होंने 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। जबकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम का मृत्यु हो गया, तो उसके बाद ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम बने थे, और जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जिंदगी भर का एकाधिकार दे दिया था, जिंदगी भर का एकाधिकार दे दिया था। एकाधिकार का मतलब हमने समझा चुका है कि एक ही आदमी का अधिकार, कि ब्रिटेन से केवल और केवल एक गो कंपनी आएगा, वह कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और कोई कंपनी ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने नहीं आएगा। इसी को एकाधिकार कहा गया था। तो आजीवन भर, जिंदगी भर का एकाधिकार देने का काम राजा जेम्स प्रथम का रहा, जबकि 15 वर्षों का एकाधिकार देने का काम ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम का रहा। तो इन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने का प्रयास तो किया है, लेकिन हमसे क्या हो गया है, भूल हो गया है। इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल और प्रयास की संज्ञा दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल और प्रयास की संज्ञा दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के कार्य को निर्धारित नहीं कर पाया था, और साथ ही साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे के कार्य को निर्धारित नहीं कर पाया था, जिस कारण इसे भूल और प्रयास की संज्ञा दिया जाता है, इसे भूल और प्रयास की संज्ञा दिया जाता है। तो आइए एक बार इसका पहले रिवीजन करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया?
तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम गवर्नर कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? किसका? बंगाल का। गवर्नर जनरल के कार्य के सहायता देने के लिए उसके परिषद में कई गो सदस्य मानसन, बॉरबल, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस। मानसन, बॉरबल, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ किया गया? कहाँ? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? मुख्य न्यायाधीश के पद पे कौन था? सर एलिजा इम्पिम। अन्य न्यायाधीश के पद पे कौन था? लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर। लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर। लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमेस्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? व्यापारिक मामला को देखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य कै गो था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 गो सदस्य था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला को देखता था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। यह कंपनी के क्या देखता था? व्यापारिक मामला। अच्छा, भूल और प्रयास की संज्ञा किस है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भूल और प्रयास की संज्ञा दिया जाता है। भूल और प्रयास की संज्ञा दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो अब आप इसका फोटो खींच सकते हैं।